आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हाथरस, जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो 30 दे, मैं करूंगा सुरक्षा। मैंने क्या कहा? मैंने बताया ना, जांच ही चल रही है और जांच चलती रहेगी। और जिस तरह का की कार्यशैली है, मुझे ये भी नहीं पता है कल मेरे ही परिवार को आरोपी बना दिया जाएगा। चंद्रशेखर भाई, एक खास तरह के जज की आपने बात कही कि जज ये होना चाहिए, क्या इसके पीछे वजह? वजह ये है, मैंने बहुत सारे ऐसे आदेश देखे हैं जिनके बाद सरकार ने प्रमोशन किए हैं, इसलिए मैं क्योंकि उस जज पे किसी का दबाव नहीं, उस पर खाने आगे बढ़ने को या प्रमोशन के लिए कुछ नहीं है रिटायर्ड जज पे, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। जिस तरह से सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पे कोई भरोसा नहीं। प्रशासन से, सरकार से किसी पे भरोसा नहीं है, तो इस तरह से अगर और भी केस होंगे तो कैसे चलेगा कि हर कोई अगर यही सरकार रोके ना? जितनी पुलिस यहाँ लगाई गई है, जितनी पुलिस पीड़ितों से मिलने आने वालों को रोकने में लगाई गई है, उतनी पुलिस जो है बहनों की बेटियों की सुरक्षा में क्यों लगाती सरकार? अगर अपराधियों को सरकार संरक्षण देगी तो अपराध बढ़ेगा, कम होगा। आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी इशू है, गांव में ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये बताया गया, फसलों में भी लोग छुपे हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये सरकार और प्रशासन तय करे। जब मैं यहाँ, मुझे आने के बाद आपको ये नोटिस है कि मेरी सुरक्षा में कुछ और होता तो पीड़ित परिवार का क्या हाल होगा? यहाँ जब मेरी सुरक्षा पे सवाल उठे तो पीड़ितों के साथ क्या हाल होगा और पीड़ित कितना अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है, आप समझ सकते हैं। जातिगत मामला नहीं है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग बोलने की जातिगत मामला क्यों? बेटी है तो बेटी ही, किसी की भी हो सकती है, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद वहां पर ये बताते हुए भीम आर्मी के चीफ की पीड़ित परिवार को खतरा है, उन्हें डर है कि कल को उन्हें ही आरोपी बना दिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे।